लेकिन वार्ता मैं आगे करूंगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य किस भूमिका में होंगे? अब ये 14 जनवरी के बाद सब तय होगा, इसलिए भूमिका तो तय होगी बाद में विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने के बाद सबकी भूमिका अलग अलग तय होगी, लेकिन अभी तो निर्णय केवल इस्तीफे का है मंत्रिमंडल के मंत्रिपद से। ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपकी बेटी सांसद है बदायूं से, आपके बेटे को बीजेपी ने चुनाव भी लड़ाया, अब आपकी बेटी का आगे का राजनीतिक भविष्य? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री मैं हूं, इसलिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय मेरा है, एक चीज। दूसरी चीज, मेरी बेटी बदायूं की सांसद है, इसलिए उसका निर्णय क्या होगा वो स्वयं उसकी जवाबदेह होगी। वो बदायूं की जनता की सेवा करती है या क्या निर्णय लेती है वो उसका अपना विवेक होगा, मेरा किसी पर कोई दबाव नहीं होता। और एक चीज, मैं कभी भी परिवार के लोगों से पूछ के कोई निर्णय नहीं लेता हूं। स्वामी प्रसाद जी, एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ी असहज स्थिति है, आप वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कैंपेन करने बदायूं गए थे, उनको हराया आपने, आपकी बेटी सांसद बनी, आज देखिए कैसा इत्तेफाक है कि आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? भाई, राजनीति में तो कभी मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तानाशाही के रवैये को देखते हुए मैंने 2016 में इस्तीफा दिया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था जी। विपरीत परिस्थिति और विपरीत विचारधारा के साथ खड़ा हुआ, लेकिन विपरीत परिस्थिति और विपरीत विचारधारा में भी मैं अपने को बहुत समायोजित करते हुए पूरा का पूरा मंत्रमंडलीय सामूहिक जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया और बड़े मनोयोग के साथ किया, किसी कुंठा से नहीं। बल्कि आज जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश में सभी के लोगों के विषय में जानकारी है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सम विभाग की तारीफ करते नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया, न भूतो न भविष्य, जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। एक अंतिम सवाल है आपसे, आज आपके साथ 3 या 5 विधायक छोड़कर गए हैं, तो क्या बस इतनी ही स्ट्रेंथ है आपकी या और भी आपके संपर्क में हैं? आज भाई ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को ये पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, आज मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कौन विधायक इस्तीफा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसका अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। हम अब 2 दिन लोगों से संपर्क में रहेंगे, अब अंतिम निर्णय आपको 14 को मालूम हो जाएगा कि कितने विधायक और मंत्री साथ में आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं किसी पर जोर दबाव नहीं डालूंगा, जो स्वतः आएगा उसका मैं स्वागत करता हूं, और जो नहीं आएगा वो हमारा मित्र रहा है मैं उसको भी थैंक्स अदा करता हूं, क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर काम किए हैं। इसलिए हम अपने ट्विटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित किया हूं कि आपके नेतृत्व में जो हमें व्यक्तिगत। स्वामी प्रसाद जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बीजेपी के भीतर रहकर पिछड़ा समाज के विधायकों का एक गुट बना लिया था। देखिए, गुट कभी नहीं होता है, सरकार की गलत नीतियां लोगों में आक्रोश पैदा करती है, और जब आक्रोश पैदा हो जाती है तो नई लाइन अपने आप बन जाती है। तो 14 तारीख को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हम लोग कैमरे लगाएं? हम एक दिन पहले सूचना सभी मीडिया के साथियों को अवश्य देंगे कि अब हम 14 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, कहां हमारी घोषणा होनी है। क्या घर वापसी बीजेपी में तो नहीं कर लेंगे? अब 14 तारीख को वो भी निर्णय एक दिन पहले आपको मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।